Welcome to SG Inceptions, your aquarium channel. I am at Panvel and this is Aqua Machine, the aquarium design studio that is located at Panvel East. And Aqua Machine, the aquarium studio, deals in a lot of things. यहाँ पे आप इनका board देख सकते हो. ये सारे चीजें यहाँ पे आपको बना के मिलेगी, right from nature aquarium to different types of setup tanks. So you can contact the Aqua Machine aquarium design studio. The contact number and address of the Aqua Machine is mentioned in the video description. This is the beautiful aquarium design studio of the Aqua Machine. यहाँ पे आपको नेचर एक्वेरियम सेटअप्स मिलेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉम्पैक्ट सेटअप्स है. एंड ठीक यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको फिश फूड मिलेंगे. एंड दिस इज द ड्राई एसेसरी सेक्शन. यह है एक्वा मशीन का फिश सेक्शन जहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार के फ्रेश वाटर फिश मिलेंगे. और ठीक इसके सामने ये वाले सेक्शन में आपको सारे ड्रिफ्ट फूड्स मिलेंगे. आपके चॉइस के अकॉर्डिंग आप ड्रिफ्ट फूड यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो और आपको अलग अलग टाइप के रॉक्स भी इनके पास मिल जाएंगे जो हम आगे की वीडियो में कवर करने वाले हैं. सो हियर आर द ओनर्स ऑफ एक्वा मशीन एक्वेरियम डिजाइन स्टूडियो. हेलो गाइस, हाउ आर यू? Yeah, so can you introduce yourself to our viewers and also can you tell us about your aquarium design studio in short? And I must say that you guys have made an amazing studio in Panvel. Panvel jaisi jagah mein, mere khayal se Navi Mumbai mein, aapke itni khoobsurat nature aquarium gallery hai, aquarium design studio aur kahi pe maine to nahi dekhi hai. So bahut bahut mujhe acha laga yahan pe aapke aquarium design studio mein aake. And thank you so much for inviting me at your aquarium design studio. Over to you guys. Hi friends, my name is Aditya and this is my friend Akshay. Hello. We started Aqua Machine out of our hobby and love for the nature. This store is basically all about plantation aquariums and all the accessories required to sustain the system. So with your permission, with your consent, can we proceed towards covering your aquarium studio? Thank you. So Akshay bhai, we are beginning with covering your aquarium design studio. Or आपकी हर एक नेचर एक्वेरियम अपने वे में यूनिक है और काफ़ी खूबसूरत है, तो कहाँ से शुरू करें मुझे तो समझ नहीं आ रहा है. बट दिस टैंक राइट इन फ्रंट ऑफ मी, अकॉर्डिंग टू मी, इज़ द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ योर स्टूडियो. सो आई थिंक कि हमें इस नेचर एक्वेरियम से स्टार्ट करना चाहिए. श्योर, वी कैन स्टार्ट विद दिस टैंक. ओके, सो अक्षय भाई, कैन यू प्लीज टेल अस इन शॉर्ट अबाउट दिस ब्यूटिफुल नेचर एक्वेरियम यू हैव ओवर हियर? ओके, सो दिस टैंक इज बेसिकली कॉल्ड ADA 90P. Okay. So, इसका डायमेंशन जो है वो है 3 फीट, विड्थ में है 1.5 फीट और हाइट में भी 1.5 फीट है ये टैंक. तो इसमें जो इक्विपमेंट यूज किया है उसका लाइट जो है वो सोलर RGB ADA का ही प्रोडक्ट है. ओके, और जो फिल्टर है वो भी ADA का ही प्रोडक्ट है, ADA सुपरजेट सीरीज. ओके, तो दिस बेसिकली इज अ कम्प्लीट ADA सेटअप. इसमें जो प्लांट्स हमने यूज किए हैं उसमें अलग अलग वराइटीज है. इसमें रोटाला के मिनिमम 4 टाइप्स तो होंगे. ओके, इसमें ये हेयर ग्रास है पूरा, इसमें अलग अलग थ्रिप के वैरायटी है जी. इसमें अनुबियास नाना है, अनुबियास गोल्ड है, पिकॉक मॉस है. ओके, तो बेसिकली इसमें हमने सारे प्लांट्स डिस्प्ले किए हैं ताकि जो भी कस्टमर आए उनको मालूम पड़े कि बेसिकली ये प्लांट का ग्रोथ कैसे होता है जी, इसको कहाँ पे प्लांट करना चाहिए. इसके लिए हम ये एक व्यू रख के हमने इस टैंक को बनाया. ओके, एंड फिशेस इसके अंदर कौन से है? इसमें आप देख सकते हैं, एक तो कार्डिनल टेट्रा है जी जी, एक रमिनोस टेट्रा है इसमें, और बाकी इसमें अमानो श्रिम्प है, रेड चेरी श्रिम्प है, येलो श्रिम्प है. ओके, सो कैन वी प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट टैंक? यस, सो दिस इज द नेक्स्ट नेचर एक्वेरियम दैट वी आर वाचिंग नाउ. तो अक्षय भाई, इसके बारे में क्या बताना चाहोगे आप? तो ये अगेन ADA का ही सेटअप है जी. इसमें जो हमने टैंक यूज किया है वो है ADA का 60P. ओके, सो बेसिकली इसका लेंथ में जो है ये 2 फीट है, विड्थ में 1 फीट है और हाइट में 1 फीट से थोड़ा ज्यादा है, 36 सेंटीमीटर. ओके, और इसमें जो लाइट यूज की है वो भी ADA की एक्वा स्काई 601 है. ओके, और फिल्टर हमने बस अलग यूज किया है. ओके, शिरुबा ब्रांड का. ओके, और इसमें प्लांट वैरायटीज भी आप दे सकते हैं, पीछे पूरा रोटाला स्काई जी, उसमें भी रेड है रोटाला HR है. ओके, और सामने जो कार्वेट में है वो मोंटे कार्लो है. ओके, और ये बेसिकली पहले टाइम में पूरा रॉक, पहले टाइम में पूरा वुड वर्क था जी, इसमें ये रॉक वर्क है. ओके,
एंड इसके अंदर मैं देख सकता हूँ कि छोटे बहुत सारे श्रिम्स हैं जी जी, काफी खूबसूरत दिख रहे हैं यहाँ पे हम देख सकते हैं कार्पेट। ये टैंक ऑलमोस्ट 8 months old है। 8 months old यस ओके। तो इसमें श्रिम भी ब्रीडिंग करके हमने इसमें येलो और रेड डाले थे ओके, तो उनका क्रॉस ब्रीड होके ऑरेंज भी हो गए इसमें कुछ। ओ वंडरफुल। इसमें फिश में आप देख सकते हैं एम्बर टेट्रा है इसमें जी जी, एम्बर टेट्रा भी फुल ग्रोन साइज है। नॉर्मली आपको इतना बड़ा साइज नहीं मिलता ओके जब आप खरीदते हैं, और इतना कलरेशन भी नहीं होता एम्बर टेट्रा में जी जी जी। ये अभी ऑलमोस्ट ओल्ड है इसलिए ये एकदम ब्राइट कलर में आपको दिखेंगे इसमें ओके। तो नेक्स्ट टैंक की तरफ बढ़े भाई। यस, अब हम देख रहे हैं अगली नेचर एक्वेरियम, और ये रिसेंटली सेटअप की है इन्होंने, तो हम बहुत जल्द इसको कवर करेंगे जब ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। अब हम क्विकली बढ़ेंगे नेक्स्ट नेचर एक्वेरियम की तरफ। दिस इज द नेक्स्ट नेचर एक्वेरियम दैट वी आर कवरिंग, विच इज यूनिक इन इट्स ओन वे बिकॉज द ओनर्स हैव क्रिएटेड सम आइडिया बिहाइंड दिस सेटअप। सो अक्षय भाई विल टेल अस, सो भाई क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में आप? तो इस टैंक में हमने बेसिकली एक छोटे से टैंक यानी 1 feet का क्यूब है ये जी, इसमें एक वैली का लुक ट्राई किया, मतलब देने के लिए ट्राई किया है ओके। तो अगर आप यहाँ सामने से देखेंगे तो पूरा ऐसे अंदर पूरा जी 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 आपको दिखेगा जी जी जी। तो इसमें मोंटे कार्लो है सामने कार्पेट में ओके, इसमें फिश डालेंगे तो पूरा डिस्टर्ब करेंगे इसलिए सिर्फ श्रिम्प ही रखे हमने इसमें। ओ तो एकदम रेड चेरी श्रिम्प, इसमें फुल ग्रोन साइज है और ब्रीड भी हो चुका है इसमें ओके। इसमें अलग अलग साइज में आपको दिखेंगे श्रिम्प्स। सो शैल वी प्रोसीड टुवर्ड्स नेक्स्ट टाइम? यस। अब हम देख रहे हैं एक अलग टाइप की नेचर एक्वेरियम। ये अलग इसलिए है क्योंकि अब यहाँ पे आप इसकी सेटअप देख सकते हो। तो भाई ये कौन सी सेटअप वाली नेचर एक्वेरियम है? सो इसको हम लोग टेरेरियम बोलते हैं। टेरेरियम? यस टेरेरियम। सो इसमें जो एक्वेटिक प्लांट्स है जी जी, वो पानी के बाहर भी ग्रो हो रहा है ओके, जैसे आप देख सकते हैं पानी के अंदर भी ग्रो हो रहा है जी जी। इसमें यूनिक मतलब दोनों का मिक्स हमने किया है जी, और ये भी एक एडीए का ही प्रोडक्ट है ओके, उनके डोआ ब्रांड का ओके। इसका नाम है डोआ टेरा 30 ओके। इसका फिल्ट्रेशन यूनिट सब पीछे आता है इसलिए आपको सामने कुछ फिल्टर दिखेगा नहीं इसमें जी 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 जी, तो ये और अच्छा दिखता है उसके वजह से ओके। और मेन अट्रैक्शन इस टैंक की, इसके बारे में आप बताना चाहोगे? डेफिनेटली द मिस्ट मेकर जो हमने लगाया है इसमें जी, इसके वजह से इसकी सुंदरता जो है वो और बढ़ाता है जी। Here is a compact aquarium at the Aqua Machine. जो beginners है और जिनको begin करना है nature aquarium से, they can plan to keep this particular nature aquarium. Akshay bhai will tell us about it. भाई can you tell us about it? Yes, definitely. ये एक छोटा सा tank है, तो इसका dimension basically is 25 cm³. Okay. तो ये आप घर में भी रख सकते हैं जी, या फिर आपको अगर office table पे रखना है जी जी, तो भी ये best है क्योंकि ये ज़्यादा मतलब जगह एकदम छोटा सा corner लेगा आपका जी, जी, table का। और इसमें plants भी जो हमने use किए एकदम बेसिक और बिगिनर फ्रेंडली प्लांट्स है okay. जैसे कि अनुबियस है जी. और इसमें वुड और रॉक का मिक्सचर है सैंड के ऊपर okay. तो मेंटेनेंस करने के लिए भी ये इजी है टैंक। एंड फिशेस इसके अंदर कौन सी कौन सी? फिशेस में एक्सोटिक गप्पीज है, डम्बो ईयर गप्पीज ओके। हियर इज द नेक्स्ट एक्वेरियम दैट वी आर वॉचिंग, और ये काफी अलग दिख रही है बिकॉज आप देख सकते हो कि ये लेंस से लंबी है। तो अक्षय भाई क्या बताना चाहोगे इसके बारे में? तो ये भी एक 2 feet का ही टैंक है ओके, पर इसका हाइट जो है वो 1 feet से थोड़ा कम है जी जी, यानी ऑलमोस्ट 10 inches है ये हाइट जी। तो इसको शैलो टैंक भी बोल सकते हैं। शैलो टैंक यस, और इसको एक पॉन्ड जैसा लुक दिया है हमने ओके। तो अब अगर ऊपर से देखेंगे तो मॉस इसका पानी के बाहर भी ग्रो हो रहा है ओ। और इसमें जो प्लांट्स यूज किए हैं जी जी, उनको मतलब लो टेक प्लांट्स है ओके, नॉन CO2 में भी ग्रो होते हैं जी जी। पर हम लोग रेकमेंड करेंगे कि आप अच्छा कुछ लिक्विड कार्बन या सोर्स उसमें दे ओके, ताकि प्लांट्स अच्छे से ग्रो हो सके। और इसमें अलग अलग टाइप के मॉस है, अनुबियस के भी इसमें ऑलमोस्ट 3 types है जी। और जी जी, और फिशेस इसके अंदर भाई कौन सी है? इसमें अलग अलग टाइप के कोरिडोरस है, जैसे ये वाली? तो नहीं, ये CMS एलिगेटर है। CMS एलिगेटर ओके, जो यहाँ पे भी अंदर छुपी हुई है। यहाँ पे आप कोरिडोरस देख सकते हैं। दीसा विच कोरिडोरस? जूली कोरिडोरस, ये उसका अभी जो सामने से गई वो एल्बिनो थी okay. एल्बिनो कोरिडोरस okay. ये जूली कोरिडोर है। यस, जूली कैन वॉच द स्पॉट्स ऑन द बॉडी। और यहाँ पे ठीक सामने आई ये अल्बाइनो कोरिडोर है। यस ओके, यहाँ पे एक स्टर्बाइन, यहाँ पे स्टर्बाई कॉरिडोर है। स्टर्बाई वेरी ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव लुकिंग, तो फुल ग्रोन साइज है हमारे पास, फुल ग्रोन 3 years से ज्यादा है हमारे पास ये फिश ओके। और अगर आपका सैंड का सेटअप है जी जी जी, तो ये फिश उसके लिए काफी अच्छी है।
क्योंकि सैंड को कंटिन्यूअसली ये मूव करती है और जो भी रिमेनिंग फूड के लिए जी जी, तो आपका टैंक भी हमेशा क्लीन रहेगा सैंड जो आपका है। ओके, तो यहाँ पे आप इस कॉरिडोरा की पैटर्न देख सकते हो, जैसे अक्षय भाई ने कहा कि ये फुल ग्रोन साइज है, तो इसकी पैटर्न में भी काफी सुधार आ चुका है, काफी मतलब हद तक बढ़ के ये काफी खूबसूरत दिख रही है। तो भाई क्या साइज रहेगी इस कॉरिडोरा की? ये ऑलमोस्ट 2 inches है साइज, इनिशियली 1 inch से कम होती है जब हम लेते हो मार्केट से। ओके, ये फुल ग्रोन साइज होने की वजह से पैटर्न उसका और कलर और पैटर्न दोनों भी और अच्छे से डेवलप हो गया है। तो भाई आपके स्टोर में, आपके नेचर एक्वेरियम गैलरी में हमको फिशेस भी मिलेंगी, राइट? यस यस, फिशेस भी है हमारे पास। ओके, सारे प्लांटेशन में जो हम लोग रख सकते हैं उस टाइप के फिशेस हमारे पास है। ओके, तो क्या वो फिश सेक्शन हम देख सकते हैं? यस डेफिनेटली, आइए। ये है द एक्वा मशीन का फिश सेक्शन, जिसके अंदर के फिशेस हम देखने वाले अभी। सबसे पहली फिश वैरायटी हम देख रहे हैं, तो अक्षय भाई क्या बताना चाहेंगे इनके बारे में आप? ये कॉपर टेट्रा है। कॉपर टेट्रा, टेट्रा वैरायटी बेसिकली ग्रुप में रहने के लिए जी बेस्ट है, तो ये प्लांटेशन में और अच्छी दिखती है। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट वैरायटी, इसके अंदर कौन से है? ये बेसिकली कार्डिनल टेट्रा है। कार्डिनल टेट्रा मीडियम साइज, मीडियम साइज। ओके, हाँ, जो आपने पहले देखे इस टैंक में जी जी, वो लार्ज साइज थे। ओके, ये मीडियम साइज है। और एक बेटा भी है खूबसूरत सा इसके अंदर। ये हमारा ओल्डेस्ट बेटा है, ऑलमोस्ट 2 years old है ये। 2 years old? Yes. Okay. डम्बो ईयर बेटा है। डम्बो ईयर। जी जी जी। ये रहा द नेक्स्ट वैरायटीज, कौन सी वैरायटी है भाई ये? ये लार्ज साइज में नियॉन टेट्रा है। नियॉन ये अक्सर कार्डिनल और नियॉन में थोड़ा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो रेड लाइन जो है उनके बॉडी पे जी जी, कार्डिनल में पूरा लाइन होता है और नियॉन में सिर्फ टेल सेक्शन में होता है ये। ओके, कार्डिनल्स में ब्लू कलर की लाइन होती है भाई? ब्लू, हाँ, पूरे बॉडी पे ऊपर ब्लू रहता है। ओके, और रेड नीचे पूरा कार्डिनल्स में। और नियॉन्स में? नियॉन्स में सिर्फ पीछे रहता है, सिर्फ पीछे। ओके, टेल सेक्शन। ओके, तो इस टैंक में है नेक्स्ट टेट्रा वैरायटीज, तो कौन सी अक्षय भाई इस टैंक के अंदर? दीज आर ग्लो लाइट टेट्रास। ग्लो लाइट टेट्रास, द वन आई एम फोकसिंग ऑन। यस राइट। ओके, और इसके साथ डैनियोस भी है। डैनियोस ये वाले, the ones that over fast here. जी 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 जी, these are the danios. Spotted danios. Spotted danios. और हमारी zebra danios आपने देखे रहेंगे. जी जी spotted जी. Spotted danios. Okay. टेट्रा के बाद अब हम देख रहे हैं गप्पीज, और यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग गप्पीज है इनके पास। तो भाई इसके अंदर कौन से गप्पीज है? These are antler guppies. Antler guppies. Small size में. Okay. इस टैंक में है अगले गप्पी वैरायटीज, कौन से अक्षय भाई इसके अंदर? ये सब एग्जॉटिक गप्पीज है, इसमें ब्लैक मॉस्को है, डम्बो ईयर है। ओके, और रेड फिन है। ओके, यस, ये सब एग्जॉटिक में आते हैं। ओके, तो अक्षय भाई गप्पीज किन फिश के साथ रह सकते हैं आराम से? टेट्रास के साथ रसवाता रख सकते हो, बस इसको बेटा के साथ नहीं रख सकते। ओके, अगर आपका टैंक छोटा है जी जी, गप्पीज और बेटा रखे जी जी, तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है गप्पीज को। ओके, और कितनी वैरायटीज है गप्पीज के इसके अंदर? इसके अंदर तीन वैरायटीज है। तीन वैरायटीज। ओके, देख सकते हैं ये डम्बो ईयर, दिस वन इज अ डम्बो ईयर। यस। ओके, ये वाली भी डम्बो ईयर है, दिस वन ओवर हियर। यस। ओके, पर ब्लैक मॉस्को, द वन इज यस। यस, ब्लैक मॉस्को। ओके, और ये सब मेल है। मेल्स है सारे? मेल्स सारे, तो आपको ब्रीडिंग का कोई इशू नहीं है। जी जी जी। बहुत लोग कंप्लेंट करते हैं कि हमने गप्पी लेके गए पैर जी जी, और वो दो पैर का मेरे पास अभी 20 pairs हो गए, अभी बच्चों का मैं क्या करूँ। जी 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 जी, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है गप्पीज में जी। हम देख रहे हैं अब नेक्स्ट फिश वैरायटीज, और इसके अंदर आप देख सकते हो चुलबुली वैरायटीज है। क्या नाम है भाई इनका? ये रेनबो वैरायटी है। रेनबो में जो छोटे वाले है वो नियॉन रेनबो है। ओके, और जो बड़े साइज में है जो ये वाले बोस्मानी रेनबो है। यस, ये वाले बोस्मानिया रेनबो। हाँ, और जो स्पंज फिल्टर के नीचे छुपे हैं जी जी जी, वो कुली लोच है, लोच वैरायटी में आते हैं। कुली लोच थोड़ा स्नेक जैसा दिखता है, यहाँ पे भी है जी, बहुत एक्टिव फिश है ये। ओके, देयर आर लवली एंजल्स इन दिस टैंक, तो भाई कौन से एंजल्स है इसके अंदर? इसमें अलग अलग है एंजल्स, जो आप राइट में देख रहे हो जी, ये वाले, हाँ, ये कोई एंजल्स है। कोई एंजल्स, ओके, बिकॉज दे हैव अ पैटर्न समवॉट लाइक कोई। कोई। ओके, और ये जो सामने है इसमें मिक्स है, ये स्कार एंजल है, इसमें प्लेटिनम है। ओके, तो ये दोनों मिक्स में है, और पीछे अगर आप देखेंगे तो वो डॉलर फिश है, स्मॉल साइज में। स्मॉल साइज डॉलर्स। यस। ओके, और जी देयर आर नेक्स्ट एंजल वैरायटीज, तो भाई कौन से एंजल्स है इसके अंदर?
ये वाली है वो कोई एंजल है, ये कोई एंजल है, और ये वाली जो है वो रेड कैप रेड आई एंजल है, रेड कैप रेड आई। तो इनके हेड के पास एक रेड कलर का पोर्शन है और इनकी आईज भी रेड होती है, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज रेड कैप एंजल्स, रेड कैप रेड आईज एंजल्स। ओके, एंड साइज क्या रहेगी भाई इनकी? साइज ऑलमोस्ट 3 inches है, 3 inches। ओके, यर इज द नेक्स्ट फिश टैंक, इसके अंदर है ब्यूटीफुल कलरफुल फिशेस। कौन से फिशेस है भाई ये? तो ये बेसिकली मॉलीज एंड प्लेटीज है, मॉलीज एंड प्लेटीज। दिस वन इज अ मॉली। ओके, और जो ऑरेंज वाली है वो प्लेटी है, ये ऑरेंज वाली जो है दिस इज अ प्लेटी। यस। ओके, दिस इज द बीटा सेक्शन ऑफ द एक्वा मशीन, और फ्रंट के रो में आप देख सकते हो यहाँ पे डम्बो ईयर बीटास है। और बैक साइड में यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये है हाफ मून बीटा। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक बहुत ही खूबसूरत बीटा है, इस बीटा को बोलते हैं स्नो वाइट बीटा, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ इट्स कलर। एंड आप इसके फिन्स देख सकते हो, इसकी जो पूरी बॉडी का कलर देख सकते हो राइट फ्रॉम द स्केल्स। एंड बिकॉज ये नेचर एक्वेरियम में है इसलिए ये और भी काफ़ी खूबसूरत दिख रही है। तो ऐसे खूबसूरत बीटास आपको द एक्वा मशीन में मिलेंगे। तो यहाँ पे ये एक फिश टैंक है, तो इसकी आप डायमेंशंस देख सकते हो। तो अक्षय भाई क्या डायमेंशंस है इसके? ये लेंथ में 4 feet है और विड्थ में 3 feet है, 3 feet, हाइट 1.5 feet है। ओके, और इसके अंदर की हम फिशेस देख लेंगे, काफ़ी कमाल के फिशेस है इसके अंदर। सबसे पहले हम ये खूबसूरत फिश देखते हैं यहाँ पे, ये गोल्डन हाईबैक अरवाना है, गोल्डन हाईबैक अरवाना, ऑलमोस्ट 12 inches। Now we are watching an amazing cichlid tank, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके अंदर एक खूबसूरत से अलग अलग टाइप्स के cichlids। और अक्षय भाई मुझे आपका जो इस टैंक में जो आपने सेटअप किया स्पेशली रॉक्स का वो काफ़ी अच्छा लगा, बिकॉज द वे यू हैव प्लेस्ड इट, इनकी अरेंजमेंट्स जो है काफ़ी अच्छे से आपने की है, एकदम सिंपल हमने ट्राई किया इसको बनाना। जी जी, जितना भी मतलब जो cichlid को एक रिक्वायरमेंट है जी जी स्लाइडिंग स्पेस की, जी जी, वो हमने यहाँ पे एक इसमें सेटअप किया है। ओके, तो ये सारे जो रॉक्स आपने इसमें अंदर जो ऐड किए, क्या ये भी आपके स्टूडियो में मिल जाएंगे? ये सर आपको सब मिलेगा, जो भी हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं जी जी आपको सब मिलेगा। ओके, और ठीक इनके फिश सेक्शन के सामने यहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग अलग टाइप के ड्रिफ्ट फूड है, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, तो जिस प्रकार से आपकी टैंक की साइज है टैंक की डायमेंशन है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ड्रिफ्ट फूड चूज कर सकते हो। और ठीक यहाँ पे नीचे के पास कुछ रॉक्स भी है, अलग अलग रॉक्स है इनके पास, तो यहाँ पे आपको सिरियू रॉक्स लावा रॉक्स और ड्रैगन स्टोन्स भी मिलेंगे। ये है मेडिसिन सेक्शन ऑफ द एक्वा मशीन, और यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप्स के मेडिसिन मिलेंगे, जो वाइट स्पॉट होता है उसके लिए या कुछ और भी मेडिसिन रहेंगे जनरल मेडिसिन, वो सब आपको इस सेक्शन में इनके पास मिल जाएंगे। तो इस सेक्शन में आपको मिलेंगे फिश फूड, आप देख सकते हो कि अलग अलग टाइप्स के फिश फूड हैं इनके पास। और ठीक राइट साइड में यहाँ पे फर्टिलाइजर्स है जो प्लांट के लिए काफ़ी एसेंशियल होते हैं, तो ये सब आपको द एक्वा मशीन में मिल जाएंगे। तो अब आदित्य भाई हमें एक फिश फूड के बारे में बताएंगे, राइट भाई? यस, मैं आपको दिखाना चाहूंगा जी, ये फिश फूड हमने खुद डेवलप किया है। ओके, तो इसका मैन्युफैक्चरिंग और सेल हम लोग चालू कर चुके हैं। ओके, ये है हमारा अल्फा जेल प्रीमिक्स, तो ये आप पाउडर फॉर्म में मिलेगा आपको। ओके, तो आप इसमें अगर बॉइलिंग वाटर ऐड करोगे तो आपको एक जेल मिल जाएगा। ओके, ये आप अपने फिश को फीड कर सकते हैं और इसको आप हमेशा के लिए
फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं, तो इसका शेल्फ लाइफ हो जाएगा 6 मंथ्स। तो अभी हम लोग ने ये प्रोडक्ट डेवलप किया दो चीज ध्यान में रख के, पहले तो फिश का हेल्थ और कलरेशन, एंड सेकेंड इज कि ये जेल फॉर्म में है तो ये आपका पानी क्लाउड नहीं करेगा, इट विल रिमेन इन अ स्टेबल फॉर्म। तो ये आपको अभी एक्वा मशीन में अवेलेबल है। ओके, तो ये एक 100 ग्राम का बॉक्स है, तो इससे आप ऑलमोस्ट 400 ग्राम फूड बना सकते हैं। ऑलराइट, तो क्या इसकी डिलीवरी होगी या यहाँ पे अवेलेबल है? हम लोग सून चालू कर रहे हैं, अभी ये स्टोर में अवेलेबल है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया शिपिंग जल्दी ही चालू होगा। ओके, तो भाई क्या हम इस फूड की फीडिंग वीडियो देख सकते हैं कि कैसे फिशेस को ये खिलाया जाता है? हाँ जरूर, अभी हम एक हमारे जो मेन डिस्प्ले टैंक है उसमें इसको फीड करेंगे। ओके, तब आप देख सकते हैं कि टेट्रास और श्रिम्स कैसे इसको खा सकते। श्योर, यह है नेक्स्ट सेक्शन। यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के फिल्टर्स, हीटर्स और एक्वेरियम लाइट्स मिलेंगे, और अलग अलग ब्रांच के मिलेंगे, जैसे शिरुबा हो गया, आरएस हो गया, सनसन हो गया, ये सब आपको इनके यहाँ पे मिल जाएंगे। इस सेक्शन में आपको मिलेंगे अलग अलग टाइप के टिश्यू कल्चर प्लांट्स जो नेचर एक्वेरियम में आप यूज कर सकते हो। JK teacher from the Learning Curve school. I brought my kids in the aqua machine for the field trip. I wanted my kids to know the different types of fishes, their colors. So we have come here. We have seen different types of fishes, tetra fish and goldfishes, fighter fishes, stingfish. My kids enjoyed a lot over here. So we had a very nice experience. They loved seeing the different colors and all the scenery over here. So kids, did you enjoy? Yeah! So loudly? Yeah! Thank you.
सो गाइज, वी जस्ट कवर्ड योर एंटायर स्टूडियो और मुझे काफी मजा आया आपकी गैलरी के खूबसूरत नेचर एक्वेरियम्स देख के। तो हमारे व्यूवर्स के लिए एक बात जानना चाहूंगा कि ये जो खूबसूरत नेचर एक्वेरियम्स है, क्या ये सिर्फ आप पनवेल में ही सेटअप करते हो या ऑल ओवर मुंबई में करते हो? और जो आपने आदित्य भाई हमें फूड दिखाया और जो दूसरे एक्वेरियम एक्सेसरीज हो गए, प्रोडक्ट्स हो गए, क्या वो पनवेल में ही मिलेंगे अगर आपके स्टोर में, आपके स्टूडियो में कोई विजिट करता है, या इसकी डिलीवरी भी अवेलेबल है आपसे? ओवर टू यू। सो हमारे स्टोर टाइमिंग्स फ्रॉम मंडे टू थर्सडे है 2 to 9:30 और ट्यूसडे को क्लोज रहता है, और वीकेंड्स यानी फ्राइडे सैटरडे संडे को 12 to 9:30। और हमारा जो फूड और अदर एक्सेसरीज इज करेंटली अवेलेबल इन आवर स्टोर, बट हम लोग जल्दी ही इसका डिलीवरी स्टार्ट करेंगे ऑल ओवर इंडिया। हम लोग का स्टोर का अपडेट वीकली इंस्टाग्राम पे आता है, तो आप हमें इस लिंक में नीचे फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको सब इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। Yeah, thank you so much for interacting with us. It was an amazing experience for me to cover your entire studio. Thank you so much. Yeah. This was today's video about the Aqua Machine Aqua Design Studio that is located at Panvel. आपको इस पूरे aquarium studio का address along with the contact number मिल जाएगा इस video के description में. I hope that you enjoyed watching this video as I loved making this video. Thank you so much for watching and have a wonderful day ahead.